पैतृक गेंदबाजी का प्रदर्शन, पहला गेंद खेलना चाहते थे आप, इस समय बल्ला रोक दिए, जाने दिए दस्तानों में, कोई रन नहीं। भरपूर फायदा मिलेगा गेंदबाज को, वो जाते हैं और इस बार विमर्शन करने की प्रयास, इस बार चूके भी गुने समझ नहीं पाए, टप्पा खा के अंदर जाती हुई गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश, सही बल्ले पे आया नहीं, केंद्र बल्ला का कोई संपर्क नहीं, इस बीच कोई रन नहीं। पहली मरतबा इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इस मैदान में रिंकू चले यहाँ पे फिर से रिवर्सिव जगह बनाकर खेले, चूंकि इस बार भी केंद्र बल्ला का कोई संपर्क नहीं हो पाया, बेहतरीन गेंदबाजी का पूरी तरह से बांध के रखे हैं बल्लेबाज को अब तक, और इस बार सब पिच के अंदर भरपूर फायदा उठाते हुए पैंट के ऊपर से गेंद को निकालने में सक्षम किया जाता हुआ सीमा रेखा के बाहर चार रन के तलाश था, पावर प्ले का यहां पे फायदा उठाने की कोशिश, बीकू की बल्ले से निकलता हुआ चौवा चौके के साथ निश्चित रूप से यहां पे मनोबल काफी ऊपर आता हुआ बल्लेबाज का, जिस तरह से पारी जाते हैं आखिर चौका मिलता हुआ, और इस बार रिवर पेडल स्वीप करने की प्रयास चूके व्हाइट करार देते हुए अपने ही अंदाज में सुंदर मनीष पांडे अंपायर, एक अतिरिक्त रन आता हुआ, हल्की सी दिशा से भटकते हुए गेंदबाज अब चौका खाने के बाद यहां पे बीच एक रन तोड़ के पूरा कर लिए, एक ही रन में संतुष्ट, एक रन के साथ धीरे धीरे स्कोर भी बढ़ता हुआ छह रन बिना किसी नुकसान से समा सिंघा, और इस बार खेल दिए लगन के क्षेत्र में, एक रन के लिए भाग पड़े यहां पे निश्चित रूप से हल्की सी मिसफील पर एक ही रन, एक ही रन में संतुष्ट। इसी बीच होता हुआ एक ओवर समाप्ति के बाद सात रन बिना किसी नुकसान से समा सिंघा, पहली मरतबा यहां पे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, आजाद क्लब बुड्डू पाली जितना तारीफ किया जाए उतने ही कम, पैदरी यहां पे गेंदबाजी का भार संभालते हुए दूसरा ओवर लेकर आते हुए रामू सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज पप्पू, अब स्टंप से बाहर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ला का फिर से कोई संपर्क नहीं हो पा, रामू चले लंबाई का भरपूर फायदा, और इस बार वाइड करा देते हुए एक अतिरिक्त रन आता हुआ खाते में, स्कोर बढ़ता हुआ आठ रन, दूसरा ओवर प्रगति पर मैच, पहला सेमीफाइनल, कदमों का इस्तेमाल इस बार फिर से वाइड करा देते हुए स्टंप से काफी बाहर, जी हां अतिरिक्त रन आता हुआ खाते में, रामू यहां पे पारी का दूसरा ओवर, हालांकि दो वाइड दे चुके हैं, और इस बार हवा में गेंद देखना बाकी, ये निकल गई गेंद जब स्टैंड में पांच से मंगवा लीजिए, छक्के के साथ इस बार किसकी प्रयास कर रहे थे बल्लेबाज, कदमों का इस्तेमाल अब छक्के के साथ, पहला छक्का लगता हुआ पारी का पप्पू की बल्ले से निकलता हुआ छक्का, जैसे ही बल्ले पे लगा गेंद चापटा लग गया था छह रन का, और इस बार खेल दिया उस बल्ले के ऊपर से, ये भी टेप उससे ही पड़ा उससे ही अच्छा छक्के के साथ लगातार बैक टू बैक दूसरा छक्का पप्पू, इसके लिए जाने जाते हैं समा सिंघा की ओर से, ये खतरनाक बल्लेबाज अब उगलता हुआ बल्ला उनका,
हालांकि दो तीन गेंद साफ था, आप चेक कर लिए हैं पप्पू, जानते हैं 10 ओवर में सबसे कम सर्विस काली को यहां पे 110 रन का जाने जाने ने बोल देना है बोल। और इस बार दिशा से पटके, जी हां वाइट, एक अतिरिक्त रन, ये होता है दबाव, ये होता है प्रेशर, साफ झलकता हुआ गेंदबाज के ऊपर, दो छक्के के बाद फिर से वाइट गेंद और कब से काफी बाहर। और इस बार और कब से बाहर, जी हां फिर से वाइट करार देते हुए अतिरिक्त रन आता हुआ खाते में, एक रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ। तेईस रन, दो ओवर प्रगति पर मैच चलता हुआ। ओहो, इस बार अच्छी वापसी कहा जाएगा गेंदबाज का, राउंड राउंड और मैक्सन। और यहां पे और इस बार ओवर में गेंद गेंद जाता हुआ 6 रन के लिए, लाइन के ऊपर से 35 रन पप्पू की बल्ले से निकलता हुआ छक्का, लगातार ये बल्ले 5 खरा सोना, उससे भी बेहतर 6 रन, लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए और हवा का भी इस्तेमाल करते हुए ये बल्लेबाज छक्के के साथ बहुत ही खूबसूरती के साथ कमाल की बल्लेबाजी। और इस बार कवर की क्षेत्र से, जी हाँ यहाँ पे 30 गेंद के अंदर पकड़ लिया गया, पहला झटका काफी बड़ा झटका लगता हुआ समा सिंह को यहाँ पे पप्पू के रूप में, जिन्होंने बेहतरीन छोटा सा पारी सही लेकिन बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए पप्पू छक्के की प्रयास में आखिर अपना विकेट गवा बैठे यहाँ पे, इस तरह के शॉट की कोई जरूरत नहीं था पप्पू। स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन, कोई जरूरत नहीं थी इस तरह की स्ट्रोक लगाने की, आखिर कामयाबी मिलता हुआ गेंदबाज रामू को यहाँ पे, जिसकी तलाश थी, जिस विकेट की तलाश थी, आखिर कामयाबी मिलता हुआ। सरगी पाली, क्या इसके बाद आप वापसी कर सकते हैं सरगी पाली, देखना बाकी। अपनी गेंदबाज के ऊपर काफी भरोसा जताते हुए कप्तान फिर से नया बल्लेबाज गगन और गेंदबाजी का भार संभालते हुए रिंकू अपनी कोटे का आखिरी ओवर और पारी का तीसरी ओवर लेकर आते हुए रिंकू। और इसी बीच हमारे साथ बने हुए हैं त्रिपाठी सर, स्वागत है इस मंच पे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमको दिए हैं। तीसरा ओवर और अपने कोटे का दूसरा ओवर आखिरी ओवर लेकर आते हुए रिंकू, हालांकि जिसकी तलाश थी, जिस विकेट की तलाश थी, आखिर कामयाबी मिलता हुआ रामू को, हालांकि काफी बड़ा ओवर अगर सभी पल की नजरिया से देखा जाए तो काफी बड़ा ओवर घटता हुआ, लेकिन आखिर में कामयाबी भी मिलता हुआ, जिस विकेट की तलाश थी आखिर कामयाबी मिलता हुआ रामू को, एक विकेट निकाले जिसकी सख्त जरूरत थी। नया बल्लेबाज गगन, देखना बाकी, लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं गगन। स्ट्राइक पे खड़े हैं गगन, स्ट्राइक पे बल्लेबाज बिकू।
और इस बार चलने की प्रयास, लेकिन पारी किनारा लगी हुई है, स्लिप के क्षेत्र में कोई रन नहीं इस बार। सॉरी भाई, लोग टेक्निकल प्रॉब्लम था। बम फुट के रखे थे, लेंस काम नहीं होता। तीसरा ओवर प्रगति पर मैच चलता हुआ, पहली मरतबा इस मैदान में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। आजाद क्लब फुटबॉल पाली यहाँ पे आजादी से स्ट्रोक लगाने की प्रयास इस बार, लेकिन बेहतरीन क्षेत्र पीछे और दौड़ के कैच को लपक लिया गया। इसी बीच दूसरा झटका लगता हुआ, काफी बड़ा झटका लगता हुआ सलामी बल्लेबाज के रूप में पीकू धीरे धीरे अपना कदम पवेलियन की ओर बढ़ाते हुए यहाँ पे जानते हैं अपना विकेट का कितना महत्व क्या है। और अब छोटा सा पारी ना रन बना के वापिस पवेलियन में आते हुए पीकू, पुराने खिलाड़ी जानते हैं इस तरह से यहाँ पे पारी को आगे लिया जाएगा। हालांकि एक तरफ एक छोर से यहाँ पे रन आ रहा था, इक्का दुक्का करते हुए भी उस स्कोरबोर्ड को आगे चला रहे थे इस बार, लेकिन छक्के के प्रयास में अपना विकेट गवा बैठे। काफी बड़ा झटका लगता हुआ इस बार नया बल्लेबाज छिन लगती और देखना पाकि इस मैदान में अपना लक और इस ओवर का आखिरी गेंद लेकर आते हुए बिंकू अपनी कोटे का आखिरी गेंद सामने लकी लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यहाँ पे देखा गया है। जब भी लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर में रहते हैं काफी परेशानी होता है क्षेत्र रक्षण को और अंपायर को। आखिरी गेंद यहाँ पे क्या और इस बार लेकिन गेंद जाता हुआ सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए और इस बीच ओवर का समाप्त होता हुआ तीन ओवर समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 39 रन दो विकेट के नुकसान पे समा सिंघा। खेल की इस जंग की मैदान में पहला सेमीफाइनल आपस में भिड़ते हुए समा सिंघा और सरगी पाली चौथा ओवर पारी का चौथा ओवर लेकर आते हुए पीन है अपनी कोटे का पहला ओवर यहां पे लेकर आते हुए ओहो ब्लैक होल पे गेम खेलने की प्रयास इस बार चूके नाकामयाब गगन बल्लेबाज आते ही स्ट्रोक लगाने की प्रयास इस बार लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी कहा जाएगा बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बिने और इस बार लेकिन गेंद पे हुआ ये गेंद तो बाहर से मंगवा लीजिए स्टैंड में गेंद गिरता हुआ जैसे ही बल्ले पे लगा छक्के के छाप लग गया था 6 रन के साथ आक्रामक रूप यहाँ पे अपना लिए हैं जानते हैं अपना विकेट का महत्व क्या है। घर से सेट होके आए थे बल्लेबाज गगन और गेंद को भी गगन में भेजते हुए जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम छक्के के साथ गगन नाम जैसा गगन काम भी गगन में भेजते हुए गेंद को और इस बार खेल दिए लगन के क्षेत्र में एक रन के लिए भाग पड़े। जी हाँ यहाँ पे अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी तालमेल दोनों ही बल्लेबाज का आंखों आंखों में इशारा और एक रन चुरा लिए जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम बेहतरीन यहाँ पे
और यही है अच्छे क्रिकेटर की निशानी होती है, जब तक खराब गेंद ना आए, स्ट्रोक ना लगाए, एक रन करके अपना छोर बदलते रहे, उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हुए और उतनी अच्छी बल्लेबाजी कहा जाएगा दोनों ही सलामी बल्लेबाज का। गगन और लक्की लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, स्ट्राइक पे बल्लेबाज लक्की, यहाँ पे तब्दीली करते हुए फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए कप्तान। जिसका जिक्र कर रहे थे, जर्सी नंबर 07 हमेशा सात नंबर जर्सी के साथ दिखाई दे रहे थे दस्तानों के साथ, महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने होनी को अनहोनी कर दिया, अनहोनी को होनी, नाम है महेंद्र सिंह धोनी। वाह, आज देखना बाकी सरगी पाली की ओर से किस तरह से यहाँ पे बल्लेबाजी करेंगे। और इस बार बाहरी किनारा, जी हाँ, जिसका जिक्र कर रहे थे दस्तानों के साथ नंबर 7 जर्सी के साथ विकेट लेते हुए पकड़ते हुए लपकते हुए कैच यहाँ पे। गोखो लिखी नौ गगन के आउट होने के बाद नया बल्लेबाज अब सुनील, अच्छे खिलाड़ी एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में जगह बनाए हैं अपने टीम में, देखना बाकी क्या करते हैं अपने टीम के लिए। ओहो, इस बार भी बाहरी किनारा, लेकिन फील्डर तक कैरी नहीं की गेंद, और इसी बीच कोई नुकसान नहीं, और इस बीच ओवर का समाप्त होता हुआ। पांच ओवर समाप्ति के बाद 47 रन, 3 विकेट के नुकसान पे समा सिंगा। माफ कीजिएगा, चार ओवर समाप्ति के बाद 47 रन, यहाँ पे 3 विकेट के नुकसान पे समा सिंगा, एक मजबूत पकड़ यहाँ पे बना चुका है, देखना बाकी। अच्छा स्टार्ट मिल चुका है, यहाँ पे आखिर तक लेनी होगी किसी एक बल्लेबाज को, यहाँ पे आखिर तक खेलने होगी, सावधानी की निश्चित रूप से यहाँ पे जरूरत। नया गेंदबाज गेंदबाजी का भार संभालते हुए सूरज, कल दूध ले इन्हें नहीं दिया Thank you.
आउट तो रही बात तक ठीक है मुझे ठीक है चलो बोला लकी जिन्होंने अपना 5 रन बना के वापिस राजन को जी है राजा ठीक है ठीक है ठीक है होल्ड करो ना लाइन प्ले चेंज जनरेटर चला हुआ है तारपरे मैच स्टार्ट हुआ क्या चिट्टी बांध दे लाइन प्ले सर ला तेरी क्यों दरे वाले पड़ी दे ले दरे उधर ले बोलो ना लाज बोल सो उठे चले ना बाउंड्री से चौथा रखा फसल के सब सुनावा हेनोटा भी कैप्चर करवा दूरटा भी जी म्यूट मारले सब म्यूट मारी छी निजर घर लोक सुनले त करा भई हता भी त कथा ये कहू जा दादा सब उठाने नी सुनियो काले जानवे ना सावलावा इस मैच का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं लोकल इलेवन स्पोर्ट्स यहाँ पे अफर चलता हुआ कोई भी बल्लेबाज अगर छक्के के साथ बैनर पे लगाएगा गेंद तो ₹500 का इनाम डोनेटेड बाय पप्पू स्पोर्ट्स लाइकिरा मनोर कहीं लगे मनोर कहीं से और इसे भी स्कोर बढ़ता हुआ पावर रन 5 ओवर प्रगति पे और इस बार स्टेट डाइव लेकिन वहां पे कैच लपक रहा था नाकामयाब इस बार कैच छूटता हुआ और हमेशा देखा गया है क्रिकेट में कहा जाता है पकड़ो कैचर जीतो मैच कैच छूटा तो मैच छूटा क्या ये कैच जब छूटा ये भारी पड़ सकता है ओहो इस बार इस्तेमाल आ गया अगर खेलने की प्रयास के अंदर बल्ला का कोई संपर्क नहीं जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम बेहतरीन गेंदबाजी कहा जाएगा गेंदबाज के द्वारा रिंकू हल्के हाथों से खेल दिए पैंट के क्षेत्र में रन लेने की कोशिश मना किए अच्छी सोच अच्छी कल यहाँ पे खतरा होता निश्चित रूप से यहाँ पे एक साझेदारी की जरूरत निश्चित रूप से कहूंगा समा सिंगा को एक अच्छे टोटल की अगर बनना चाहते हैं तो और इस बार उतनी अच्छी कवर नाइट कवर के क्षेत्र में 4 रन के लिए कम देखा जाता इस तरह की स्ट्रोक यहाँ पे बढ़िया
घड़ी मते पागल आप देख सकते हैं ये मैच को लाइव टेलीकास्ट करते हुए मिस्टर जीत जीतन लोकल 11 स्पोर्ट्स गेंदबाजी का भार संभालते हुए कृष्णा गेंदबाजी का भार संभालते हुए कृष्णा मुरादी पाली एंड से स्ट्राइक पे बल्लेबाज धौले काफी जाने माने खिलाड़ी काफी नाम है उनका देखना बाकी एक अच्छे राउंडर के रूप में जगह बनाए अपने टीम में धौले ना स्ट्राइक पे सुनील इन दोनों में से किसी एक बल्लेबाज को आखिर तक खेलना होगा निश्चित रूप से मैं कहूंगा और इस बार कृष्णा पहली गेंद बांसुरी के साथ मन मोह लेते अब ये कृष्णा गेंदबाजी के साथ देखना पड़ेगा किस तरह से यहाँ पे गेंदबाजी करते हैं और इस बार दिशा से पटकते हुए व्हाइट करार देते हुए अपने ही अंदाज में एक अतिरिक्त रन आता हुआ खाते में इस तरह की गलती आप नहीं कर सकते हैं तब 10 ओवर का मैच और जी हां यहां पे खराब फील्डिंग कीपर के द्वारा चूक होता हुआ और इसी बीच वाइडर पाइप है 5 अतिरिक्त रन आता हुआ खाते में 5 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ गुटे बोलते 11 रन दलना है 63 रन 63 यहां पे पर पे लग चुका है छठा ओवर प्रगति पे मैच चलता हुआ कितने लाइट है 3-4 रन बेहतरीन यहां पे शुरुआत मिल चुका है यहां पे किसी एक बल्लेबाज को क्लियर चेक करना पड़ेगा और आखिर तक खेलना होगा और इस बार खेल दिए मिड विकेट के क्षेत्र में डीप में तैनात फील्डर गेंद को जब तक फील्ड करते इसी बीच एक रन आसानी से तोड़कर पूरा कर लिए एक ही रन में संतुष्ट एक रन करके अपना छोर बदलते हुए सामने स्ट्राइक पर फिर से अच्छे बल्लेबाज सुनील यहां पे जानते हैं पुलटस गए लो पुलटस यहां पे पॉइंट के क्षेत्र में हल्की सी मिसफील्ड और इसी बीच एक रन यहां पे खतरा हो सकता है लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाज का आंखों आंखों में इशारा सुनील जैसे ही बल्ले पे क्लियर कर दिए पॉइंट की क्षेत्र में एक रन के लिए भाग पड़े एक ही रन में संतुष्ट अगर अच्छा थ्रो होता तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा यहाँ पे विकेट गिर सकता था एक विकेट मिल सकता था अच्छी तालमेल दोनों ही बल्लेबाज का पहली मरतबा यहाँ पे अगर छक्के बैनर पे लगा सकते हैं पप्पू स्पोर्ट्स का जो बैनर लगा है कबर की क्षेत्र में अगर सीधा बैनर पे अगर कोई भी बल्लेबाज मार सकता है तो 500 रुपए का इनाम यहाँ पे पप्पू स्पोर्ट्स की ओर से और ये मैच को आप देख सकते हैं लाइव टेलीकास्ट लोकल स्पोर्ट्स सीधा प्रसारण और यहाँ पे बाहरी किनारा और यहाँ पे कैच छूटा हुआ जीवन दान मिलता हुआ फिर से यहाँ पे गलती करते हुए सरगी पाली यहाँ पे दबाव में आते हुए साफ झलकता हुआ दबाव क्षेत्ररक्षण में आप सुमित जिन्होंने लपक नहीं पाए लंबे कद के खिलाड़ी आसान सा कैच छूटता हुआ इस बार कट करने की प्रयास लेकिन चूके केंद्र बल्ला का कोई संपर्क नहीं हो पाया अगर कोई यहाँ पे हैट्रिक छक्के अगर लगाते हैं तो आहान टेंट हाउस की तरफ से 500 रुपए का इनाम बाहरी किनारा इस बार लेकिन कोई गलती नहीं कैरी नहीं की क्षेत्ररक्षण तक निश्चित रूप से बेहतरीन फील्डिंग आ जाएगा 3-4 रन बचाए अपनी टीम के लिए इसी बीच ओवर का समाप्त होता हुआ
छह ओवर समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन, 4 विकेट के नुकसान पे समा सिंहा। यहां पे बचे हुए 4 ओवर में कम से कम 40 से 50 रन बनना चाहिए मेरे हिसाब से, काफी विकेट बाकी यहां पे समा सिंहा का। देखना बाकी, यहां पे एक्सपीरियंस खिलाड़ी सुनील मौजूद हैं, अब तक क्रीज में डटे हुए चट्टान की तरह एक जोर संभाल के आप इसमें बातचीत करते हुए कुछ रणनीति यहां पे बनाते हुए निश्चित रूप से कि किस तरह से बचे हुए ओवर में कम से कम 40 से 50 रन जोड़ दिया जाएगा स्कोर बोर्ड पे। नया गेंदबाज विनय मुरादीपाली एंड से सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाज थौले, राइट हैंडर बल्लेबाज, लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं लेकिन अब तक खामोश बांध के रखे हैं गेंदबाज ने बल्लेबाज को थौले को। इतना कोई तो पोस्ट है नहीं इतना ऐसे, और इस बार लेकिन गेंद जाता हुआ क्या, जी हां निकल गई, ये गेंद भी निकल गई छक्के के साथ। और इसी बीच धौले यहाँ पे बारी किनारा, लेकिन पीठ होती हुई कीपर यहाँ पे चकमा देती हुई कीपर को भी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं यहाँ पे। धौले एक छक्के लगा चुके हैं, अपना देखना बाकी। ओहो, इस बार रक्षात्मक ढंग से खेल दिए, वापिस बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं। जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम, अच्छी वापसी कहा जाएगा गेंदबाज विनय का यहाँ पे, जानते हैं एक छक्का खाने के बाद किस तरह से कहाँ पे गेंद को पटका दिया जाए। और इस बार खेल दिए मिडिल कॉर्पर से 6 रन के साथ, ये गेंद तो उड़ान भर ली है छक्के के साथ तारा मंडल में हवाई पार। इस बार जिसके लिए जाने जाते हैं धौले, उसी अंदाज से पूरा यहां पे बल्लेबाजी करते हुए अपने आप को जगह बनाए। इस बार हवा में गेंद देखना बाकी, और यहां पे फिर से जीवन दार मिलता हुआ, फिर से कैच चढ़ता हुआ, खराब फील्डिंग कहा जाएगा चित्ररक्षण का। इस तरह की गलती आप पहले भी कर चुके हैं, इसका कैच जिनका कैच छोड़े वो है थौले, थुलाई कर रहे हैं पापर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए थौले। और इस बार लेकिन कट करने की प्रयास, इसी बीच ओवर का समाप्त होता हुआ, 7 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर बढ़ता हुआ, हमने खन कर बात कर ली थी रन को जरूरी थी रन ही यार, चार विकेट के नुकसान पे यहाँ पे स्कोर बढ़ता हुआ 79 समा सिंघा। 7 ओवर समाप्ति के बाद अच्छी स्थिति में यहाँ पे समा सिंघा, गेंदबाजी का भार संभालते हुए कृष्णा अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर आते हुए सामने स्ट्राइक पर बल्लेबाज थौले, कृष्णा चले अंपायर को पार करते हुए, और इस बार खेलने की प्रयास लेकिन खराब फील्डिंग कहा जाएगा सुमित के द्वारा निकलता हुआ चौका। मारे भागे थे ना, और इस बार लगन के ऊपर से हवाई भाग, 107 मीटर का लंबा छक्का लगाते हुए थौले, आखिर वो कैच का इस बार असर करते हुए असर करता हुआ सरदीप पाली को यहाँ पे पूरी तरह से दबा में डालते हुए।
और इस बार दौले का जो कैच छूटा यहाँ पे शायद मैच भी छूट सकता है। पापड़ तोड़ बल्लेबाजी और जब फिर से खेल दिए लगभग के क्षेत्र में वहां पे हल्की सी मिसफील दो रन लेने की कोशिश यहाँ पे खतरा हो सकता है। तू तू मैं हाँ हाँ ना ना मैं आखिर विकेट गवा बैठे यहाँ पे जहां से भी विकेट आए विकेट तो आना चाहिए। यहाँ पे काफी बड़ा झटका लगता हुआ फौले के रूप में बड़ा विकेट यहाँ पे थौले के रूप में छक्का लगता हुआ काफी बड़ा मछली अब जाल में फंसाते हुए जिसकी तलाश थी आखिर कामयाबी मिलता हुआ थौले के रूप में जिन्होंने आखिर तीन चार कैच ड्रॉप किए थे थौले का आखिर चार भी लगा चुके हैं थौले आखिर कामयाबी मिलता हुआ 27 रन की छोटा सा पारी खेल के वापिस पवेलियन में जाते हुए थौले। अब नया बल्लेबाज अशोक काफी लंबा बल्लेबाजी यहाँ पे समा सिंह का और इस बार फुलटस के लेकिन मौजूद खिलाड़ी तैनात टीम में मिडिल के क्षेत्र में और इसी बीच सुनील के रूप में झटका लगता हुआ समा सिंह को लाइन पे अलावा लेके लूँगा। हाँ। मैंने उनको तो क्या है? ये मोबाइल लेट के लगा लो वो। हाँ भी कमी है। हाँ। ओ। ये तभी तो हाथी को देता है ना।
बहुत मस्त दु तीन बाहर बाहर खेल मुरादी खेल बोर तीन आईडी तो देखी देवे ना और इस बार स्कोर बढ़ता हुआ 111 रन पारी का आखिरी ओवर देखना बाकी दोनों ही खतरनाक बल्लेबाज मौजूद क्रीज पे और यहां पे खेल दिए लाइन के ऊपर से हवाई फायर को भेजते हुए छक्के के साथ अशोक की बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन यहाँ पे बड़ा भरा था काफी बड़ा यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं समा सिंघा और फिर से दूसरा छक्का वन भर लिए उससे ही बेहतर
24 पे खड़ा सुनना ये खिलाड़ी पात्रनिष्ठ अशोक की पल्ले से निकलता हुआ और यहाँ पे एफआर चलता हुआ। अगर हैट्रिक छक्के लगाते हैं तो आहन टेंट हाउस की तरफ से 500 रुपए का इनाम। यहाँ पे हैट्रिक पे आप छक्के की प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। अशोक लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं तो छक्का लगा चुके हैं और यहाँ पे शायद जी हाँ यहाँ पे व्हाइट करा देते हुए एक अतिरिक्त रन आता हुआ खाते में। आखिरी ओवर चलता हुआ, काफी महंगा ओवर यहाँ पे सर की पाली की नजरिया से अगर देखा जाएगा तो, और जितनी तारीफ किया जाए उतनी कम। और ये खिलाड़ी फिर से जी हाँ व्हाइट करा देते हुए अपने ही अंदाज में अंपायर जयपुरी आई यहाँ पे अनुभवी अंपायर अपना 63वां इंटरनेशनल मैच खिलाते हुए इस मैदान में दबा भैया। और इस बार खत्मा डेस खेल दिए वापिस बॉलर की दिशा में, कोई रन नहीं यहाँ पे। हैट्रिक छक्के लगा नहीं पाए बल्लेबाज अशोक, लेकिन अपने छोटा सा पारी सही अच्छा पारी खेलते हुए टीम के लिए। और इस बार कट करने की प्रयास चूके कबर के क्षेत्र में मानना चाहते थे कि अंदर बल्ला का कोई संपर्क नहीं। इस बार जितने तारीफ किया जाए उतनी कम इस बल्लेबाज का। आखिरी दो गेंद शेष और इस बार हवा में गेंद, क्या लपक सकते हैं यहां पे कैच नहीं पकड़ नहीं पाए, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था यहां पे, लेकिन रन आउट के रूप में एक विकेट गिर सकता है निश्चित रूप से अशोक का। स्ट्राइक पे बल्लेबाज अजीत यहां पे दो छक्के लगा चुके हैं, देखना बाकी आखिरी गेंद यहां पर क्या छक्के के साथ खत्म करेंगे ये पारी को। अजीत अपनी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए जिन्होंने पिछले ओवर में बेहतरीन बैक टू बैक दो छक्के लगाए थे, देखना बाकी अब आखिरी गेंद पे क्या छक्के लगा सकते हैं या आखिरी गेंद पे विकेट अगर निकाल सकते हैं ये गेंदबाज, देखना बाकी। गेंद और बल्ला का इस बार लड़ाई होता हुआ आखिरी गेंद में, देखना बाकी जीत किसकी होती है, गेंद की और बल्ला। आखिरी गेंद इस बार रन आने की प्रयास जिया पर खतरा हो सकता है और इस बार भी रन आउट के रूप में और विकेट व्हाइट करा देते हुए अतिरिक्त रन का हुआ खाते में। अब सामने आखिरी तलाश, अब छक्के की प्रयास करेंगे निश्चित रूप से अजीत पुराने खिलाड़ी लंबाई का भरपूर फायदा उठाते हुए एक छक्का अगर पप्पू स्पोर्ट्स की बैनर पे अगर लगा सकते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे पप्पू स्कोप स्पोर्ट्स की ओर से 500 रुपए का इनाम मिलेगा कबर की क्षेत्र में। आखिरी गेंद, पहला पारी का आखिरी विकेट की तलाश कर सकते हैं क्या, और यहाँ पे छक्के की प्रयास करेंगे बल्लेबाज जी हाँ। यहाँ पे गिल्ली डंडा हवा में उड़ता हुआ विकेट मिलता हुआ जीत तो गेंदबाज का। और इसी बीच पारी का समाप्त होता हुआ 10 ओवर में 128 रन बनाए, जीत के लिए चाहिए 129 रन का पार जैसा लक्ष्य का पीछा करेंगे। अब कुछ ही पल में आंखों के सामने इस मैदान में अब सर की पाली 129 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आएंगे। देश से आए दर्शक को बता दें यहाँ पे, देश से आए दर्शक को बता दूं यहाँ पे टेस्ट जीत के पहले पहला सेमीफाइनल मैच का टेस्ट जीत के पहले समा सिंह ने बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 128 रन जड़े हैं। जीत के लिए चाहिए सर, जीत के लिए चाहिए 128 रन, 127 रन बनाए। सुनता कोई तो गुआ कर तुम I'm
नहीं पता नहीं मिले नहीं गया ना डालते हैं क्या करना है हाँ नहीं कुछ नहीं डालते टाइम नहीं लगने चलो मार्केट में तो कुछ नवाई वर्तमान मुख कोबी सोमा सिंहा तो समस्त खेलाड़ी पड़िया मध्य अच्छा मु वर्तमान कोबी स्वर्गी पाली समस्त खेलाड़ी मान को अनुरोध कराने समस्त खिलाड़ी पड़िया भितर प्रवेश करूँ कहीं आम गहर अच्छा टंकज त्रिपाठी दादा जी कि खेलाड़ी मान सहित परिचित हे आज मुख्य अतिथि भाव जोग दे बहुमूल्य समय दे आमर बुटुवाली आजाद क्लब तरफ बहुत बहुत धन्यवाद आम चिरणी होबू एवं अनुरोध करू आशा करू आगामी भविष्य में एभली टूर्नामेंट आम आपण मान भेटीदेबू ये पड़िया आई दादा जदि आशीर्वाद रहे तो आसंता वर्ष याठू भी आड़ टूर्नामेंट आपण मान भेटीदेबू उभय दल समस्त खिलाड़ी मान अनुरोध से मैंने लाइन अफ जातु आम मुख्य अतिथि अतिथिगण पड़िया मध्य प्रवेश कर खिलाड़ी मान सहित परिचित हे उभय अंपायर मध्य अनुरोध से मैंने पड़िया मध्य प्रवेश करूँ स्वर्गीपाली अधिनायक महोदय अधिनायक भाई को अनुरोध सीए समस्त खेलाड़ी मान को नहीं पड़िया भीतर को प्रवेश करूँ दयापूर्वक धन्यवाद खिलाड़ी वर्तमान मु कोई भी आजाद क्लब भूतपाली समस्त मेंबर्स मान को जी आम मुख्य अतिथि अतिथि मान को पाचोटे ने पड़िया मध्य को बर्तमान मु कह उभय दल समस्त खिलाड़ी मान को कलताल सहित स्वागत करूँ आमर अतिथि।